and their God's love is so lengthy it can able to reach you. आप भी बड़े बड़े भी पापी होने दो परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वहां तक भी चला जाएगा. You may be the worst person in the world. आप इस संसार के सबसे बुरे इंसान भी होने दो. You may be the low level kind of person. और आप बड़े ही तुच्छ लेवल के भी इंसान होने दो. But God's love can able to reach you. लेकिन परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंच सकता है. Whatever your position may be, but God's love can able to reach you. आपका स्तर कैसा भी होने दो, परमेश्वर का प्रेम में इतनी क्षमता है कि वो कहीं पर भी पहुंच जाएगा. I strongly believe at all one thing can able to bring change in my nation, it's the love of God. देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर इस संसार में कुछ बदलाव आ सकता है तो वो बदलाव जो परमेश्वर के प्रेम को बताने से ही होगा. God's love can able to transform your heart. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही आपके जीवन आपके हृदय को परिवर्तन करेगा. Only God's love can able to bring healing in your heart. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही आपके हृदय को चंगा करेगा. Because you know our heart has to be healed from so many other things. हमारा हृदय जो है बहुत सारी चीजों से चंगा नहीं हुआ है. Many people are broken inside. अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं. Only God's love can bring healing into your broken hearts. सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही जो है लोगों का जो हृदय टूटा हुआ है उसे चंगा दे सकता है. There are some people may think. कभी-कभी कुछ लोग सोचते होंगे. If you keep on preaching about the love of God, pastor, people will take advantage of it. देखो पास्टर, अगर तुम लगातार जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते रहोगे तो आप वो फायदा उठाएंगे. But I want to tell you my problem, my concern is people are not taking advantage of God's love. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा समस्या ये है कि अभी तक परमेश्वर के प्रेम को अभी तक लोगों ने फायदा क्यों नहीं उठाया? You understand? आपको समझ में आ रहा है? God's love is there for you to take advantage. देखो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका फायदा उठाएं. People will never sin because we are preaching God's love. आप ऐसा मत सोचना परमेश्वर के प्रेम को सिखाने की वजह से लोग पाप कर रहे करके. No, the reason they are sinning till now they are not experienced the love of God. नहीं नहीं, कारण ये है अभी तक परमेश्वर के प्रेम को वो अनुभव नहीं. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, God was not angry, but he was in love. लेकिन परमेश्वर क्रोधित नहीं थे, बल्कि वो प्रेम में थे. You see, he is not giving things. देखो वो चीज नहीं दे रहे थे. Giving things is easy. देखो चीजें देना आसान है. But you know, God gave his only begotten son for us. लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिए है. There is no greater gift he can give for you. और परमेश्वर की ओर से ऐसा कोई महान चीज नहीं दे पाए. God has decided he is not going to live without you. और परमेश्वर ने डिसाइड किया, निर्णय ले लिया कि आपके बिना वो जी नहीं सकते. He wants to live with you. और वो परमेश्वर जो है